हमीरपुर जनपद के राठ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चित्रकूट धाम मंडल बांदा अपर चिकित्सा निदेशक राकेश रमन ने गुरुवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंच महिला प्रसव वार्ड ओपीडी व मल्हम पट्टी कक्ष की बारीकी से निरीक्षण करने के उपरांत मल्हम पट्टी कक्ष में फैली गंदगी पर नाराजगी जाहिर की। वहीं स्वास्थ्य केंद्र में साफ सफाई रखने पर जोर दिया। उन्होंने स्वास्थ्य केंद्र में ओपीडी रजिस्टर, दवा स्टॉक रजिस्टर आदि का भी निरीक्षण किया और पर्याप्त मात्रा में दवा न होने की पुष्टि की। इस दौरान उन्होंने चिकित्सकों को मरीज के साथ मधुर व्यवहार कर उनका उपचार करने को कहा। इस दौरान चिकित्सक डॉक्टर आरपी वर्मा, डॉक्टर संतोष कुमार मिश्रा, डॉक्टर आलोक कुमार, डॉक्टर श्रेया मिश्रा, फार्मासिस्ट मनोज कुमार, विपिन कुमार सहित समस्त स्टाफ मौजूद रहा। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का तो क्या कमियां पाएगी? ये निरीक्षण सामान्य निरीक्षण है और बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर मेन जो है सिजेरियन ऑपरेशन नहीं हो रहे हैं, यानी जो बच्चा ऑपरेशन द्वारा पैदा होता है, किसी में दिक्कत होती है सामान डिलीवरी में, तो बच्चा ऑपरेशन द्वारा किया जाता है, वो सुविधा यहाँ पर नहीं है। क्योंकि यहाँ पर सर्जन गायनेकोलॉजिस्ट पोस्ट नहीं है, जो यहाँ पर पोस्ट थे उनका स्थानांतरण हो चुका है। पहली सुविधा यहाँ पर थी, उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अभी ट्रांसफर सीजन चल रहा है, शासन से भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ये चूंकि राठ का एरिया सभी जगह से काफ़ी दूर पड़ता है और काफ़ी बड़ा कस्बा है आपका, यहाँ से उरई भी लगभग 60 किलोमीटर पड़ता है जिला अस्पताल, आपका महोबा भी दूर पड़ता है, हमीरपुर भी दूर पड़ता है, झांसी भी दूर पड़ता है। तो जब ये सुविधा यहाँ उपलब्ध होनी चाहिए और जब सुविधा उपलब्ध होगी तो मरीजों को आसानी रहेगी। क्योंकि यहाँ पे जो 30 बेड का जो अस्पताल बना हुआ है, अलग से ये सुविधा डिलीवरी के लिए दी गई है, जहाँ पे 30 बेड अलग से दिए गए हैं, ये बहुत अच्छी सुविधा है। और यहाँ पर सीजन की सुविधा भी पूर्व यहाँ देने के हम लोग प्रयासरत हैं, जिससे मरीजों को परेशानी। अच्छी राहत में जो महत्वपूर्ण दवाई और वैक्सीन है, ये इनकी आपूर्ति समय पे नहीं हो पाती है, रैबिज वगैरह? नहीं, बिल्कुल आपूर्ति देखिए, पहले आपूर्ति ये हम लोगों सीएमओ के स्तर से होते थे, परचेज किया जाता था सीएमओ के स्तर से, जो दवाइयाँ जरूर पड़ती थी। लेकिन अब ये कॉरपोरेशन, ड्रग कॉरपोरेशन बन गया है, ड्रग कॉरपोरेशन से टेंडर करके दवाओं की आपूर्ति, नियमित आपूर्ति अब धीरे धीरे करके की जा रही है। कोई भी जब चेंज होता है, जैसे हमारे सीएमओ के स्तर से, निदेशालय के स्तर से दवाएं न खरीद के अब ड्रग कॉरपोरेशन बनाया गया, उसके स्तर से खरीद की जा रही है, तो इसमें थोड़ा समय लग रहा है। लेकिन ये बहुत अच्छी पहल है कि एक साथ सभी दवाएं हमको सेंट्रली परचेज करके आरसी के रेट पर मिल जाएंगी और धीरे धीरे ये दवाओं की कभी कमी नहीं रहेगी, पूरे साल दवाएं उपलब्ध रहेंगी। सर, यहाँ पे बाहर की दवाएं लिखने के भी मामले आते हैं? हो सकता है कुछ जरूरी दवाएं लिखी जा रही हों, लेकिन हमने पूरे निर्देश दिए हैं कि यथासंभव जो है बाहर की दवाएं ना लिखी जाएं। लेकिन जनहित में ये ऐसा अगर किया जा रहा है तो ये ठीक रहे। सभी दवाएं यहाँ से अगर नहीं है तो उनका कोई जो वैकल्पिक व्यवस्था है उससे विकल्प उनका दिया जाए। ठीक, थैंक यू। हमीरपुर से UP24 न्यूज के लिए जिला संवाददाता जयशंकर त्रिपाठी की रिपोर्ट।